Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to Wipro onboarding and joining because as we all know about that Infosys started the phases wise joining and uh, uh, so many candidates got the uh, joining uh, date from Infosys team and about the next uh, update. But uh, candidates are asking about Wipro onboarding and joining. So can we expect uh, the Wipro onboarding and joining in the phase of January to April 2023? वॉट अबाउट द पीजीपी ट्रेंड्स और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं सो so, आप यहां पर सारी चीजें लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा जिससे कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाए एंड देयर इज अ अपडेट रिलेटेड टू कीर्ति टेक्नोलॉजीज टेस्ट सो द टेस्ट इज रीशेड्यूल्ड ऑन द नाइनटीन दिसंबर ओके सो इफ यू नॉट रिसीव द मेल वेट फॉर सम टाइम बिकॉज दे आर सेंडिंग द मेल रेगुलरली सो कंटिन्यूसली सो दे विल सेंड इन समाइम ओके सो लेट्स स्टार्ट दीडियो बिफोर स्टार्ट There are so many good videos that is related to important updates, so please check that. So the first update is related to Kirti Technologies. So if uh, your exam, if you not give the exam properly, so they are rescheduling your exam on 19th December 22. But one of the most important point, uh, dear candidate, as few of you informed regarding the technical error faced during the aptitude test on 16th December 22. considering that we will be conduct exam on monday 19 december link will remain activated in between 2 to 4 pm best of this two exam will be considered we apola we apologize for the inconvenience caused. one of the most important point if you completed the first examination successfully और आपने बीच में ही कोई एग्जाम छोड़ दी है या फिर छोड़ देगा मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई टेक्निकल एरर आ गई है उसकी वजह से एग्जाम आगे प्रोसेस नहीं कर पाई यहाँ आपने एग्जाम अच्छे से दी अब ये बेस्ट ऑफ टू क्या होता है कि जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा वो एग्जाम कंसिडर कर लेंगे और आपको नेक्स्ट मेल अपडेट आ जाएगा ओके सो दिस इज रिलेटेड टू दैट वट अबाउट द विप्रो ऑन बोर्डिंग मुझे कैंडिडेट ने कुछ इस टाइप से भेजा था कि जब भी हम विप्रो की ऑन बोर्डिंग या ज्वाइनिंग के बारे में पूछते तो हमें सिर्फ इसी टाइप के मेल दिखते हैं वी अप्रीशिएट यूर इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग विप्रो एंड वी आर लुकिंग टू फॉरवर्ड टू गेटिंग यू स्टार्टेड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्डिंग कैंडिडेट इन बैचेस डिपेंडिंग ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑन बोर्डिंग विल बी प्रायोरिटी For candidate basic, their pre-joining program completion. Okay. we appreciate your interest in joining. we are in the process of onboarding. Uh, accordingly, you will hear us from onboarding status two month in advance. thank you for patience. फॉर पेशेंस अब यहां पर कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि क्या पी जी पी जरूरी है ओके अगर आपको पीजीपी का कोई मेल नहीं आया है तो मैं आप सभी को कहूँगा कोई बात नहीं अगर उनके हिसाब से पीजीपी 100% परसेंट कम्प्लीट करना जरूरी है तो वो आपकी एक टाइमलाइन सेट करेंगे ओके एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइमलाइन आपको पीजीपी का भी टाइम मिलेगा उसके बाद फिर आपकी जो है नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी इफ यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर पीजीपी सो वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट एंड मैं आप सभी को पहले भी कह रहा था कि जैसे काफी हमने न्यूज सुनी थी कि कंपनी ज्वाइनिंग नहीं देगी कंपनी तो अब एक साल से ऊपर हो गया अब तो डायरेक्ट रिजेक्शन होगा फिर भी ये बात गलत हुई नवंबर में भी ज्वाइनिंग आई दिसंबर में आई और जनवरी में भी आई और अब फेब्रवरी में आई इन्फोसिस की ज्वाइनिंग देखे तो मैं आप सभी को कहूंगा प्लीज 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 वेट कीजिए जनवरी से अप्रैल फेज के बीच में क्योंकि यहीं आपको गुड न्यूज देखने को मिल सकती है देखा ना हमने विल्प वालों की ज्वाइनिंग हुई अब हमारा यही प्रिडिक्शन है कि लाइट और टर्बो को वो कंसिडर करेंगे ही करेंगे आपको मैं यहाँ पर एक और बार बता रहा हूँ पीजीपी का मेल आया है तो उसे 100 परसेंट कम्प्लीट रखियेगा अगर नहीं आया है तो वेट कीजिए इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और जैसे इन्फोसिस की प्रोसेस थी वैसी ही विप्रो की होगी अगर कोई एक ज्वाइनिंग डेट आई तो फिर दस दिन बाद या पंद्रह दिन बाद या पांच दिन बाद फिर दूसरी ज्वाइनिंग डेट आएगी इसी हिसाब से वो जनवरी से अप्रैल के बीच में शेड्यूल करेंगे अब चाहे आप पोस्टपोन कैंडिडेट्स हो चाहे आप का पीजीपी कंप्लीट हो गया हो नहीं हुआ हो सारी टाइमलाइंस जो है वो फेजेस से रिलेटेड ही रहती है तो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा इन्फोसिस से रिलेटेड भी काफी स्ट्रेस लिया गया था कि अरे नहीं आएगी ज्वाइनिंग बहुत टाइम हो चुका है पर ये बात देखिए आज ये बात सच हो चुकी है किस टाइप से इन्फोसिस टीम ने एकदम से सरप्राइज दिया कैंडिडेट्स को सो मैं आप सभी को कहूंगा कि प्लीज थोड़ा और वेट कर लीजिए जब तक वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो